इसमें एक जिम्मे में मैं डॉक्टर साहब को मशहूर हूँ। डॉक्टर साहब, इसमें यह है कि जो शरबत काफूर है उसमें मैंने कुछ दवाइयाँ ऐसी भी डाली हैं जो इस तरह के लोगों को जो अंदर बुखार बनता है या मोयाती बुखार, टाइफाइड या हल्का हल्का, या सुबह चढ़ा तो शाम को उतर जाता है, मैंने इसमें किया है। किसी शख्स ने तंजिया लिखा है कि भाई आप कोई फ्रूट ना खाएं, कोई अच्छे खाने ना खाएं, सिर्फ आप शरबत काफूर लें। भाई आप सुबह नाश्ता बासी खाने से करते हैं, रात का बचा हुआ खाना होता है, सुबह आप उसे को पराठे के साथ ऊपर से चाय पीते हैं, एसिडिटी होती है, इसके लिए शरबत काफूर है। अगर आप देखें कि अगर आपने तरबूज खा लिया, ऑरेंज खा लिया, आपको हैजा हो गया, तो हैजा पाकिस्तान में IBS कहलाता है, या पाकिस्तान में अक्सर हुआ करता था, उधर भी तमाम अतबा जो हैं वो काफूर ही दिया करते थे। तो हमने इसको, ये है कि तंज करना अपनी जगह पे है, हमें ना बेशक तंज कर रहे हैं और जो भी है, मगर जो लोग फायदा उठा रहे हैं वो फायदा उठाएं। ये है कि शरबत काफूर को इस तरह बनाया गया है कि ये वक्ती तौर पर भी और फौरी तौर पर भी और दायमी तौर पर भी इंसान की बॉडी के इन्फेक्शन को हील करता है। और बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको हे फीवर किसी भी वजह से होता है, यानी कि ऊपर की तरफ ब्लड ऊपर चला जाता है तो काफूर नीचे ले आता है। अरे किसी का दिमाग की तरफ खून नहीं जा रहा तो ये खून दिमाग की तरफ भी खून को ले जाता है, तो जिसकी वजह से हे फीवर हो गया, कान ऐसा बुखार जो बहुत पुराना है और नहीं जिस्म से निकल रहा, इसमें ऐसी अज्जा है जो जिस्म के दर्दों को पूरा करता है, आर्थराइटिस को होने नहीं देता, और जो तमाम ऐसे फ्रूट जो आप पुराने और बासी खाने खाने की वजह से या सिट्रिक खाने खाने की वजह से उसका बेहतरीन एंटीडोट है। इसको इस तरह बनाया कि हर घर में आप जाके देख लें, और अगर हम किसी के घर में मेहमान चले जाते हैं उनके घर में लेमन का इस्तेमाल, आलू बुखारे का इस्तेमाल, खानों में बेशुमार इस्तेमाल, हर खाने, अब वो चटनियां भी ऐसी हैं, चटनियां जो इंसान को जो बाद में खाने के बाद पछतावा होता है कि भाई मैंने ये खा ली है, सिरके की बनी हुई चीजें, डोनर कबाब की सूरत में या लेबनीज शवालमा की सूरत में, पिज्जे के ऊपर तमाम सिरके की जो टॉपिंग होती है, जो इसके जो केचप के, जो टॉपिंग है इसका, पिज्जे का टॉपिंग होता है उसमें जो बनाया जाता है उसमें भी बेशुमार सिरका और लेमन का इस्तेमाल हुआ होता है, फिर उसके साथ जो चटनियां मिलती हैं उसके अंदर भी, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ये सिट्रिक और सिरका ना हो, इसके लिए मैंने शरबत काफूर बनाया है। और अगर ये हर घर इस्तेमाल करता है तो मैं आपको ये वसूख से कहता हूँ, आधी से ज्यादा बीमारी हमारा शरबत काफूर ही खा जाता है। जजाकुल्लाह, आपका जजाकअल्लाह, प्रणाम बहुत सर। शुक्रिया।